बड़ी खबर, ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और एक आदेश दिया है कि कोरोना काल में पॉलिटिकल कार्यक्रमों को लेकर यह आदेश आया। नरेंद्र सिंह तोमर, मुन्नालाल गोयल पर एफआईआर के आदेश दिए हैं, सुनील शर्मा, सतीश सिकरवार पर एफआईआर के आदेश दिए हैं, रामनिवास रावत, फूल सिंह बरैया पर भी एफआईआर के आदेश हुए हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर पर भी एफआईआर करने के लिए आदेश दिया है। कोविड 19 की गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप है, पहले एफआईआर दर्ज की जाए और फिर इन्वेस्टिगेशन, ये कहना है हाईकोर्ट का। याचिका में पॉलिटिकल कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट में तीन न्याय मित्रों ने अपनी रिपोर्ट को पेश किया, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला सुनाया है, आदेश दिया है। तो कोविड काल में, कोरोना काल में पॉलिटिकल दौरे, पॉलिटिकल रैलियां, कार्यक्रम, इसमें कोविड 19 गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप के बाद अब इस पर एक बड़ा फैसला, एक बड़ा आदेश आया। नरेंद्र सिंह तोमर, मुन्नालाल गोयल, सुनील शर्मा, सतीश सिकरवार, रामनिवास रावत, फूल सिंह बरैया, इन सब पर एफआईआर के आदेश हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर, इन पर भी एफआईआर के आदेश हैं। कोविड 19 के गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप है इनके ऊपर, पहले एफआईआर करें और फिर इसकी तफ्तीश करें। तो एक बड़ा फैसला है, इन तमाम बड़े नामों पर एफआईआर के लिए कहा गया, क्योंकि कोविड 19 गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। ये ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। प्रद्युमन सिंह तोमर समेत तमाम बड़े नेताओं पर, दिग्गजों पर राजनीतिक कार्यक्रमों, रैलियों और सभाओं में कोविड 19 गाइडलाइन के उल्लंघन पर एफआईआर के आदेश कोर्ट ने दिए हैं और ये कहा है कि पहले एफआईआर दर्ज करें और फिर इसके बाद उसकी जांच करें, इन्वेस्टिगेशन करें। हाईकोर्ट में तीन न्याय मित्रों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिनको कहा गया था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी आप अपनी तरफ से एक रिपोर्ट पेश करें हाईकोर्ट में। वो रिपोर्ट पेश की गई और इसके बाद अब यह आदेश, बड़ा आदेश ग्वालियर बेंच ने दिया है, जिसमें इन तमाम नेताओं पर एफआईआर के आदेश हैं। तो ग्वालियर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला पॉलिटिकल कार्यक्रमों में कोविड 19 गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर यह बड़ा फैसला है और इस फैसले में एक आदेश है जिसमें बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुन्नालाल गोयल, इन पर एफआईआर के आदेश हैं। सुनील शर्मा, सतीश सिकरवार जो उम्मीदवार हैं, उन पर एफआईआर के आदेश हैं। हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नासिर, बड़े दिग्गजों पर एफआईआर के आदेश का एक बड़ा अपडेट हमको मिल रहा है, पूरी तफसील से बताएं। देखिए, एक जनहित याचिका आशीष प्रताप सिंह के द्वारा लगाई गई थी, उसमें कहा गया था कि जितने भी जो राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ रहा है और ऐसे कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। जब ये पिटीशन दायर की गई थी तब बीजेपी का महासदस्य अभियान ग्वालियर चंबल संभाग में चल रहा था, उस दौर में ये पिटीशन दायर की गई थी। लगातार इस पर सुनवाई हो रही, उसके बाद हाईकोर्ट ने तीन न्याय मित्रों को बनाया था और उन्होंने कहा था कि जितने भी पॉलिटिकल कार्यक्रम हो रहे हैं या गैदरिंग वाले जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट वो कोर्ट को सौंपे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद 3 अक्टूबर को एक और आदेश जारी किया था हाईकोर्ट ने, उसमें यही भी कहा था कि कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन होता है तो न्याय मित्र तो उसका अपडेट हाईकोर्ट को सौंपेंगे, साथ ही अगर कोई व्यक्ति भी इसकी रिपोर्ट सौंपना चाहता है या कोई जानकारी, फोटोग्राफ्स या वीडियोग्राफ्स भी जारी करना चाहता है तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को सौंपे। जिसके बाद आज इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है कि कोविड गाइडलाइन के तहत ये बड़े नाम है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सुनील शर्मा, सतीश सिकरवार, फूल सिंह बरैया, प्रद्युमन सिंह तोमर, इनके ऊपर सीधे तौर पहले एफआईआर धारा 188 के तहत जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन का जो आरोप है उसके तहत इन पे एफआईआर की जाए, फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने हवाला भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश है सुशीला कुमारी का, उसका आदेश देते हुए इसको आदेश को जारी किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें एक छोटी सी बात यह भी है कि 3 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और उसमें कहा था कि अगर कोरोना की गाइडलाइन का ये पॉलिटिकल लोग पालन नहीं कर रहे तो आप एफआईआर करें, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से यह भी हवाला दिया गया कि 8 उन्होंने शिकायतें की थी कि कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन इन प्रोग्रामों में हो रहा है, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, इन कार्यक्रमों में हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना सख्त रुख अपनाया। साथ ही पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि भांडेर में देखा जाए तो भांडेर में पूर्व कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो सभा हुई थी उसके अंदर कमलनाथ और जो वहां के प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया उनके साथ कई कांग्रेसी नेताओं पर कोरोना की गाइडलाइन के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया था। तो याचिकाकर्ता ने हवाला दिया कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, यानी कि कांग्रेस की तरफ कार्रवाई हो रही है, बीजेपी की तरफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसके बाद आज कोर्ट ने 3 पेज का ये ऑर्डर है, उसमें पूरा डिटेल्स लिखा है, उन लोगों के व्यक्तियों के FIR जिनके ऊपर FIR किया जाना है उनके नाम लिखा जा रहा है लिखे गए। साथ ही ये भी कहा है कि उसके बाद एडिशनल जो याचिकाकर्ता है वो जो फोटोग्राफ उन्हें कोर्ट में सौंपे हैं अगर उसमें गाइडलाइन में इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि इन लोगों ने उल्लंघन किया है वायलेशन किया है तो उन लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव से पहले पॉलिटिकल कार्यक्रमों को लेकर बड़े नेताओं को एक बड़ा झटका हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से लगा है। चलिए अब देखना होगा कि क्या इस पर रिएक्शन आता है और कितनी दिक्कत इन बड़ी नेताओं को इस आदेश के बाद उठानी पड़ सकती है और क्या इस पर वाकई में अमल होता है जमीन पर, यह भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए नासिर गौरी।